पके आम का क्या हासिल है? जरा सा झोंका आया आम नीचे, सिर्फ शिष्यता का राजमार्ग क्या है? शिव का जो मार्ग है, पगडंडिया क्या है जिस पर हम सभी भाई बहन को चलना चाहिए? पगडंडियों को नहीं चलना चाहिए, राजमार्ग को चलना चाहिए। गलत बात। चर्चा की आंधी में शिष्यता को कैसे बनाए रखें? शिव की जिंदगी का तो कहा भागेगी, शिव से नहीं रखते। 27 फरवरी 2022 की चर्चा में साहब जी ने कहा था, सिर्फ चर्चा करने के दौर में अपने गुरु को नहीं भूल जाइएगा, पतन की डोर टूट ना जाए, कृपया गुरु दया से साहब जी हम लोग का मार्गदर्शन करिए। कुछ नहीं, आप समझते हैं जो सवाल लिखा वो समझ रहा। अरे चर्चा का उद्देश्य ज्यादातर क्या हो गया है? शिव महीने रह गए हैं, मंच किसी को सुनोगी तो ज्यादातर लोगों को देखो, देखिएगा आप लोग कि वो शिव का नाम बहुत कम लेता है, तीन सूत्रों का नाम नहीं लेता है, वो अपना बखान करता है। और शिव का नाम भी लेता है तो उसके पीछे उसकी नियत ठीक नहीं। इसीलिए कहा गया कि बाबू शिव शिष्यता को बचाओ, पैसा रुपया शराब और सुंदरी में के लिए चर्चा मत करो, इसीलिए कहा। और लोग कर रहे हैं इसीलिए कहा, नहीं कर किए होते, नहीं करते होते तो नहीं कर। हम जब अपने गुरु सिख से दया मांगे हमको मिला, लेकिन अपने सिर्फ गुरु से हम लौकिक, एक मेरी मनोकामना है, हम दया मांग रहे 4 साल से हैं, लेकिन इसके लिए गुरु दया नहीं कर रहे हैं। अब समय खत्म हो जाएगा मार्च अप्रैल के बाद, हम इस इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत बहुत दया और प्रयास किए हैं, कृपया बता देना करें इसके पीछे गुरु का क्या है? एक बार अखबार की अंगुली कट गई, अखबार की अंगुली कट गई, उसका भी कहना नहीं होगा। दीवार बोला, आ बहुत अच्छा हुआ, बात का बहुत अच्छा, अगर जो होता मेरे अंगुली कट गई दिन का था, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। एक बार जंगल में सब अंगुली कट गई, दुर्घटना तो हो गया था, भाग गया। अकबर को जब बड़ी चढ़ाने लगा तो कहा कि अंग नहीं कटा हुआ है ना, खुलने का इसका अंग कटा हुआ है तो नहीं है कोई, तो देखता है कि अंगुली वो कटी हुई है, अब छोड़ दो, इस हालत में बिखरा गया, बच गया। दुर्बल को मालूम हुआ, कहा देखे हम बड़े से चुप हुआ, नहीं तो शायद पूरा मुड़िए कट जाए, तो महादेव ने नहीं दिया, अच्छे के लिए नहीं दिया, मेरे बाप बाप मत करो। गुरु का काम क्या है और शिष्य का क्या काम है? गुरु का काम क्या है? उलट के आपको टांग देगा गुरु हम कर्मन, गुरु आप शिष्य को शिव बनाते हैं, किसको नहीं बनाते? महादेव का काम करते तो है, लेकिन क्षेत्र में गुरु भाई बहन का जुड़ाव गुरु से नहीं हो पा रहा है। कोशिश करो, महादेव की दया लो, बिना दया के नहीं होगा। साहब जी, मैं अपने आराध्य महादेव के समान वैराग्य जीवन जीना चाहता हूँ, क्या मार्ग है? रोशन गुप्ता होंगे बिहार। और मेरा इतना जीवन ना, 7 साधु चौकी, 5-6 साधु बैठा को चटाई बिछा के, एक आदमी आया बोला, बाबा बड़ी गंजन है, जिसे बोले ना बैराज, बड़ी गंजन है। क्या गंजन है?
मेहरारू वहां को जब जाते हैं तब कुछ पी है, तो कहा कि एक और चटाई लेके आओ बगल में कोई बैरा की तरह छोड़ो बाबू, धरती का काम करो, धरती ने पैदा किया है, तुमको सम्मान दिया है, तुमको भाला पोसा पोसा है, इसकी सेवा करो और मादेव को चलो बैराग्य चाहिए। हाँ गृहस्थों का किसके आदर्श नहीं है, सिर्फ सन्यासियों के हैं, पूरी दुनिया में सब चीज के आदर्श है। महेश्वर शिव को भी अपने शिष्य के अविकसित ज्ञान के स्तर पर आकर उसे पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ले जाना होता है। शिव रूपी ज्ञान से संजात एक सामान्य भाव चरण भी जगत के लिए अनुकरणीय प्रमाणित होता है। उठाने की कृपा डब्बे से लिखा जा रहा है, इसको न समझाया जा रहा है, किसी से कुछ ना, जब हम हटेंगे ना जब बहुत बोका से बचेगा, बोका तो है नहीं है अभी, कल नहीं आएगा कुछ ना बना। साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शिष्य अनुभूति से जिज्ञासा है। साहब के चरणों में साहब के कोटि कोटि प्रणाम, ये लिखा है नाम का और पीला प्रणाम से मुझपर कोटि कोटि प्रणाम बताइए। साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि माने करोड़ों करोड़, यही ना हे। एक बार अगर हमको प्रणाम ठीक से कर लीजिएगा ना, तो तीनों सूत्र में कोई सूत्र करने की जरूरत नहीं है, कोटि कोटि प्रणाम। अब क्या हटा दी हरेगा, हमको एक बार प्रणाम अगर मन से कर लीजिएगा ना, तो किसी सूत्र की जरूरत नहीं है, कोटि कोटि दिखने के लिख दिया कोटि कोटि, एक बार होता ही नहीं है कोटि कोटि। अरे महान शिक्षी आएगा तब उसे पूछना, हम उसे कहे पूछते हो अपना काम चिकित्सा का है, उस दौरान भी अंत में अपने मरीज से भी गुरु की बात करता हूँ, ये सही है या योजना बनकर अलग से इस गुरु कार्य करने की कृपा करूँ? जैसा मौका मिले तब कैसा करिए, आपको समय नहीं मिलता है तो चलिए रोगी को ही प्रेरित करें। मेरे दिन की शुरुआत अपने गुरु को प्रणाम और साहब आपके लाइव वीडियो सुनने से होती है। मैं सिर्फ स्थिति कैसे हो जाऊं एवं दूसरों के लिए दूसरों के दिल में महादेव को स्थापित करूं, अपना काम करते हुए महादेव का काम करूं, क्योंकि मुझे जगत में रहकर महादेव अपना काम करना ही, जो घर का काम नहीं कर सकता वो महादेव का काम नहीं कर सकता, मेरा यही सिद्धांत है। अपना काम करिए तब शिव का काम करिए, कोशिश करिए कि ये लगातार रहे, इसमें खतरा यही होता है ये ब्रेक करता है, गुणवा हट जाएगा इसको, दोनों काम छूट जाए, इसको कंटिन्यू करिए, इसके लिए महादेव के ज्ञान की जरूरत है। भगवान लीला के मंदिर में महाशिवरात्रि के 8 दिन बाद 5 गांव में संडे और मंडे 2 दिन बसा बाबा प्रकट हुए। कौन बाबा? वो पानी पी रहे थे, पूरे गांव के लोग उनको पानी पिला रहे थे, इसका कारण आप बताइए साहब कहिए। सारा दुनिया में कितना बैल पानी पी रहा होगा, आप कहाँ से कितना बागड़ जिला तो ना हो, आप बताइए कि बैल पानी क्यों पी रहा। अरे सर कितना दुनिया में कितना बैल है, अरे शिवानी में कितना बैल है, आप कुछ ना बना पर बैल पानी पिए तो तू नहीं कहा परेशान पड़ो, परेशान का हो जाए इंसान का हो जाए क्या अंतर है। देखिए शिव चिंतन में हम लोग बार बार कहते हैं, इस तरह के अंधविश्वास की कहीं जगह नहीं है,
और आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह की बात करेंगे तो ग्रामीण जो नहीं पढ़ा लिखा है वो तो और उसको भी ये सुन के लोग खाएंगे बसा पानी पी रहे हैं सर बसा के पैर पर पैसा चढ़ाइए बसा को कुछ ऐसा मिल जाए नहीं उसको भी धोना मिले अरे हम लोग देखे हैं जो गाय का एक्स्ट्रा पाँव उठा रहता है नया गाय का उसको चादर जो उठा के पैसा देता है जी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दीजिए साहब ने जितना कहा है गुरु को पकड़िए शिव को पकड़िए पानी पिलाने का शौक है रोड पर बहुत जानवर पैसा है बाल्टी लेके घूमिए एकदम जरूर पिलाइए वो ज्यादा अच्छा है सुनने का काम है चिड़िया को पिलाइए जानवरों को पिलाइए साहब श्री आपने फेसबुक लाइव के माध्यम से कहा कि मेरे पास आइए तो सिर को लेकर आइए और अगर नहीं लेकर आए तो मेरे पास से सिर को लेकर जाइए साहब श्री इतनी दया और आशीर्वाद दें कि सचमुच में सिर का शिष्य हो जाऊं और सच में मेरे गुरु हो जाए चंदन कुमार अररिया साहब की दया और नमन करने बैठ मैं ना तो ध्यान इधर उधर भागने लगता है साहब कैसे होगा आशीर्वाद 24 घंटे में एक बार महादेव को प्रणाम तो हो ही जाएगा ना जी लेपट में कभी भागेगा कभी रुकेगा कभी भागेगा कभी रुकेगा उसके बाद हो जाएगा ना एक बार प्रणाम जीवन में अगर सही में हो गया नहीं यार एक बार नहीं होता आपने तुम सबका ध्यान कर लो जरा अपना चेहरा भी ध्यान कर लो बताओ सब तस्वीर का ध्यान कर लो तुम जितने मत करो अधिक मिनट करो इतने मिनट करो अपना चेहरा करते जो अपना चेहरा ध्यान में नहीं ला सकता है वह शुभता क्या है इसीलिए जितना अपन करके उसका प्रणाम करो उसके लिए नमः शिवाय की बहुत जरूरत नहीं है मन प्रणाम करता है करो एक बार ही प्रणाम अगर हो गया ना हम शिव के शिष्य कैसे बने साहब मार्गदर्शन करें लिखे दिया जो तीन काम करिए करिए तब करने के बाद नहीं होगा तब फिर हम कुछ सहायक सूत्र है वो सूत्र मार्ग नहीं होगा लगा दिए तो अच्छा